अमरनाथ जी की ट्रैकिंग शुरू करने हैं। सो अभी हम जा रहे हैं, पोहा मिल रहा है, पास्ता मिल रहा है, जो चीज चाहो वो मिल रही है। पूरा 1.5 घंटा लगा हमें, हम पहुंच गए पिस्सू टॉप पे। इतने भोले सेवा कर रहे हैं ना, हर तरह का भोजन मिल रहा है यहाँ पे, हर तरह का। यहाँ पे तो हम आ गए थे, खाना वगैरह भी हमने खा लिया। एक पंगा हो गया जो कि मनीष है, पीछे रह गया था और पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आए क्या हुआ, बट उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, उसको मिलिट्री लेके आ रही है ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे 4th डे में। सो आज हम जा रहे हैं अमरनाथ जी की ट्रैकिंग शुरू करने। सो अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड पे, टैक्सी लेंगे और ऊपर तरफ चलेंगे। तो दोस्त मेरे साथ हो रही है, हम थोड़े लेट हो गए, आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा लेट निकले हैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है आज। जैसे रोडों पे खड़े होते हैं होटलों से बाहर निकल के, फिर गाड़ियाँ आती हैं, अगर कोई खाड़ी खाली होती है तब तो हमें रोड पे गाड़ी मिल जाएगी, अदरवाइज हमें थोड़ा जहाँ रुके थे उससे थोड़ा मार्केट से नीचे उतर के एक मंदिर आता है, मंदिर के पास पार्किंग है गाड़ियों की, वहाँ से गाड़ी देनी पड़ती है। तो हम वहीं पर जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं कब तक मिलेगी हमें गाड़ी। ये देखो कितने बंदे खड़े हैं यहाँ पे पहली गाड़ियाँ लेने के लिए। पहली गाड़ी मिली है हमें, जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अभी टाइम वेट करना पड़ रहा है। फाइनली चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ इतनी लगी हुई है, वहाँ से लाइनें लगी हैं और तेरी, और गाड़ियाँ देखो इतनी तेज तेज आ रही हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो हम भी लाइन में लगे हैं और देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है, हमें कब तक ऊपर छोड़ते हैं, हमें अपने साथियों को वेट भी करना है आगे। सब हम ऊपर निकल के आ गए हैं, हमें काफ़ी टाइम लगा, 2 घंटे लगे हमें ऊपर निकलने के लिए, क्योंकि हम लेट थे नीचे से। बहुत ज़्यादा सुविधा है, हमें डोसे वगैरह भी बन रहे हैं, अभी तो शादियों में होता है पूरा। गाइस पान भी मिल रहा है यहाँ पे, तो पोहा मिल रहा है, पास्ता मिल रहा है, जो चीज़ चाहो वो मिल रही है, पूरा मोहल्ला हमारा। बढ़िया खाना पीना हो गया है और हमारे दोस्त लोग 2 घंटे हमसे और पीछे हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मौसम साफ है, आगे कुछ पता नहीं होगा कि मौसम हमें कैसा मिल सकता है, तो हम यात्रा शुरू धीरे धीरे चलते रहेंगे। गाइस यहाँ से मिलते हैं घोड़े, स्टार्टिंग हो गई है हमारी यात्रा की, यहाँ से किसी को अगर घोड़ा चाहिए हो यहाँ से करके लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग रेट हो जाते हैं 1000 से 2000 तक, जहाँ तक आपको जाना है उस हिसाब से पैसे लेते हैं। टाइम देख लो गाइस, हम कर रहे हैं 7:45 बजे शुरू, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। गाइस एक और चेक पोस्ट आ गई है और यहाँ पर एक बार और हमारे कार्ड वगैरह चेक होंगे। ये रास्ते मुश्किल करते हैं, पानी चलता रहता है रास्ते में और बीच में घोड़े आ रहे हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट है यहाँ पे पिस्सू टॉप तक, क्योंकि पानी ही पानी आ रहा है रोड पे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलने में, फिसल रहे हैं जूते बहुत ज़्यादा। 5-10 मिनट की ब्रेक ली है हमने, ये चढ़ाई चढ़ के आ गए हम, और अभी मैंने तो जैकेट उतारी है, अमन भी अपनी जैकेट उतार रहा है और अपना पसीना वगैरह पोंछा, क्योंकि हम जब पसीना नहीं पोंछते, पसीने के ऊपर रुक के जब हवा लग जाती है ना, तब हम शिकार होते हैं बीमार होने के। सो साथ साथ में पसीना पोंछना चाहिए और पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते रहो, डिहाइड्रेशन जिससे ना हो बॉडी में, थोड़ा सा ही रहेगा। अब हमने भोले जाने, अब जब इतना लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। तो देखो श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं, पूरा 1.5 घंटा लगा हमें, हम पहुँच गए पिस्सू टॉप पे और हमारे दोस्त अभी पीछे ही हैं, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, बिकॉज आगे मौसम ख़राब है, हम जितना सोच के उतना सफ़र तय करेंगे आगे के लिए, सब चलते जाएंगे भोले का नाम लेते हुए। जय शंकर महाराज। हर प्रकार का भोजन लगा, मज़ा आ रहा है यात्रा करने में, जितने भोले सेवा कर रहे हैं ना, हर तरह का भोजन मिल रहा है यहाँ पे, हर तरह का जो चाहो, टिक्की मिल रही है, चाट मिल रहा है, जो खाना खाओ, मज़ा आ गया। जय शंकर महाराज। सेवा कर रहे हैं, खाओ जी खाओ। गाइस पिस्सू टॉप हमने पार कर लिया है, तो अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, शीश, क्या नाम है, शीशनाग, हाँ शीशनाग पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कितनी दूर है वो, बट अभी हमें देख दिख रहा है रास्ता सारा प्लेन ही है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है इसका, फिर जब गणेश टॉप आएगा तब हमें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज सब ठीक है, धूप निकल रखी है, भोले की बहुत ज़्यादा कृपा है, हमने तो वैसे वेदर चेक करके आए थे, बारिश बहुत ज़्यादा बताई हुई थी, बट महादेव की कृपा है जो कि धूप निकली हुई है आज। जय शंकर। कल यहाँ खूब सारी बारिश हुई थी, इस रिगार्डिंग देखो रास्तों के हाल बेहाल हो रखे, चलना थोड़ा मुश्किल है, स्लिपरी रोड है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। जय भोले। भोले आ रहे हैं ऊपर से, यही रास्ता घोड़ों के लिए, यही पैदल श्रद्धालुओं के लिए, आराम से चलना पड़ता है। पहुँची रस्सी बांधी हुई है इन्होंने,
अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है तो रस्सी के सहारे ही नीचे उतर जाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ की सारी ग्रिलें टूटी हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हो रखी है, ग्रिल वगैरह सारी टूटी हुई है। वो देखो ग्लेशियर, पानी नीचे से निकल रहा है, बर्फ की बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। देखो गाइस, 3 किलोमीटर हम चल के आ गए अपने पॉइंट से, और थोड़ा है आगे। पानी पीने की ब्रेक ले रहे हैं हम, पानी पियेंगे, डिहाइड्रेशन ना हो। देखो नगरी पूरी शिवर की आ गई है और डीजे चल रहा है, यहाँ पे डीजे चल रहा है। अब थोड़ा डांस करते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते जाएंगे पूरा। सेवा बोले की पूरी, पूरे पकवान बने हुए, सारी रोटी बन रही है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये मैप लगा हुआ पूरा, मेरा टारगेट है आज पंचतरणी तक पहुँच जाऊँगा, 17 किलोमीटर रह गया और टाइम अभी 12 बजे है, जिसमें से हमने 1.25 घंटा शिवर में बताया है। शेषनाग से सिर्फ हम 1/2 किलोमीटर दूर है और यह शेषनाग जी लेक, देखो इतनी खूबसूरत व्यू है। और गाइस शेषनाग वहाँ पहुँच गए हैं, और अभी 2 बजे से पहले बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 बजे अभी हो जाएगा आराम से, रेस्ट करेंगे थोड़ा, वेट करेंगे पीछे वालों की, उन्हें उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं बोला बॉर्डर क्रॉस करके रुक जाऊँगी। ऐसे भी लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, रेट ज़्यादा मारते हैं। फाइनली जिनका वेट कर रहे थे ना, कब से 2 घंटे वेट किए हमने यहाँ पे बैठ के, और वो हमारे दोस्त आ गए हैं सारे, सब आ गए। दो बंदे कौन कौन से कैब है, घोड़े पे से गिर गए थे ना, बहुत घोड़ा बच गया, शुक्र है। बड़ा आ गया, हमने गणेश टॉप तो पार कर लिया काफी मुश्किल से, हालत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बुखार हो गया मेरे को और मेरा फोन भी बंद हो गया था, अभी कुछ थोड़ा चार्ज किया है। ये रहा गणेश टॉप, और अब हमें ढलानी नीचे उतरना है, हम रात को पौष पत्री रुकेंगे। हम रात को यहाँ से कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर रुकना अपने, पंतरनी है, पंतरनी रुकेंगे, उससे पहले पौष पत्री आएगा। यहाँ का व्यू देखो गाइस, देखो ग्लेशियर, वो दे बंदे मस्ती कर रहे हैं, वो भी देखो गाइस, ये रस्तों से बस निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर देखो ग्लेशियर के ऊपर से हम जा रहे हैं, फिसल रहा हूँ बार बार, लोगों के पैर धंसे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिसलने के, तो प्रेफर यही करूँगा जूते अच्छे हों और आराम से ग्रिप बना के चलो। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने थोड़ी बुखार की दवाई लेके पैराशूटा मोल ली थी मैंने, 1/2 घंटा या 1 घंटा रेस्ट की, तब जाके मैं चल पाया थोड़ा। चलो चलते हैं आप आगे, सुबह से ना जूते बचा बचा के चल रहा हूँ, गीले ना हो जाए पैर अंदर, बट अब वही काम हो गया, गीले हो गया पैर, जल्दी जल्दी बेस कैंप पहुँचना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा बच के गिरने से। ये देखो कैसे पानी चल रहा है ग्लेशियर में, चलो चलो पानी भर रहे हैं पूरा। हाँ गाइस, एक बार गिर जाऊँगा, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। गाइस 2 बार तो मैं गिर चुका हूँ और ठंड मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पैर मेरे गीले हैं, सो मैंने टोपी और जैकेट तो पहन ली, बस चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। 2 किलोमीटर एक भंडारा आएगा, लंगर पे कुछ खाएंगे, व्यू देख के रूह हो जाती है यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँचने वाले पूछ पत्री में, और यहाँ पर 56 भोग बैठते हैं, और मेला लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा भंडारा होता है, बहुत ही अच्छा सेवा करते हैं महिलाओं के लिए, मशाजर मशीनें लगाई हैं, आदमियों के लिए ना इंसाफी है यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, देखो भीड़, दिल्ली वालों रंग रहे क्या नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पे देख चुके हैं। गाइस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, यही चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे, देखो मोमोज वगैरह सब कुछ। ये देखो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, अगर किसी को बुखार जुकाम कुछ भी है ना, बॉडी से प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मेडिसिन मिल जाती है।
गाइस यहाँ पे सब कुछ था खाने के लिए। इस लंगर की और भंडारे की मेरे को सबसे खास और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, ये देखो इन्होंने ना खुद का ही पावर प्लांट लगाया हुआ है, ये खुद से बिजली बनाते हैं और यहाँ पर जो भी बिजली यूज़ होती है ये खुद से ही जनरेट करते हैं और खुद उसको यूज़ करते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है ना, पानी का कितना अच्छा यूज़ कर रखा है इन्होंने। बट अभी 6 बजे वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो हम यहाँ पे बैठे बैठे हम लेट हो गए थे, 5:40 हो गए हैं यहाँ पे बैठे बैठे। हम सोच रहे हैं आगे की ओर निकलते हैं तो सुबह जल्दी दर्शन कर पाएंगे। 6 किलोमीटर और नीचे अभी उतरना है हमने, चलो चलते हैं। फाइनली हमें हमारी डेस्टिनेशन देने लगी है, यहाँ पे जाना है हमें और अभी यहाँ पे हम शुगर दिखने तो लगी है। व्यू देखो यहाँ कितना खूबसूरत है, देखो खूबसूरती। आवाज़ मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है। गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं जहां पर हम रात का स्टे करेंगे, जहां पर हम नाइट स्टे करेंगे। और देख सकते बुखार में ना, और मैं जब चलता हूँ ट्रैक के लिए तो मैं कंटिन्यूसली चलता रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई मेरे को रोक दे ना कि 5 मिनट जाओ 2 मिनट जाओ फिर दिक्कत आती है। यहाँ पर आई कार्ड दोबारा चेक होंगे हमारे, फिर एंट्री मिलेगी हमें। भाई ज़्यादातर लोग यहीं भी आगे ठहरते हैं क्योंकि इससे आगे सिर्फ 6 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है। तो हम देखते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू करेंगे। भाई टेंट वाले बहुत गुस्से हुए, काफ़ी कुछ सुना है, देखो टेंट वेंट लगे हुए हैं, रास्ता काफ़ी है। यहाँ पे लंगर वगैरह भी लगे हुए हैं, अच्छी सब कुछ है। फाइनली ऑडियो नहीं आ रही थी, मैं घर पे आकर बताऊंगा। ये फाइनली हमारा टेंट है और इसको लगी पड़ी है, मैं सो जाऊं जब तक से बस थके हुए हैं बोले। यहाँ पे तो हम आ गए थे, खाना वगैरह भी हमने खा लिया है। एक पंगा हो गया जो कि मनीष है, मेरे तो सुबह से टावर नहीं आ रहे फोन के, तो मैं बात नहीं कर पाया, पीछे रह गया था। तो पीछे रहने के कारण पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उससे चढ़ा नहीं गया और पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आए क्या हुआ, बट उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है। उसको मिलिट्री लेके आ रही है ऊपर, अभी मेरे को नेटवर्क आए, मेरे पास फोन आया तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ क्या सिचुएशन है, उससे मिलते हैं बात करते हैं। उसको होश ही नहीं अभी तक, एक दोस्त पहुँच गया उसके बाद, बात देखते हैं क्या बनते हैं, देखते वेट कर रहे हैं अभी क्या होगा। मनीष का दांत पाट रहे ये देख रहे हैं। हम एंट्री भी खड़े हैं, यहाँ पे लेके आएंगे तो मनीष आ गया है। और ये भाई सुबह से उसके साथ था। नहीं, मैं ये भाई सुबह से उसके साथ था, स्टार्टिंग से ही गिर गया था वो। मिलिट्री वाले कहाँ पे मिले आपको? अपना बैग, उसका बैग और उसको चक्के लेके आना, काम बात नहीं होती हुई यहाँ पे। मीटर तो यहाँ मिली पीछे, अभी वो सारे क्लास में थे भाई, फिर हमें अंकल आंटी मिले वहाँ पे आगे। So guys, मैं अभी इसको तो लेके जा रहा हूँ रूम पे, इसको थोड़ा रेस्ट वगैरह करना है और इसका कुछ खिला पिला देते हैं इसको, और फिर जो मनीष है मनीष को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उसको ऑक्सीजन लगेगा दोबारा फिर से। सो देखते हैं क्या बनता है, मुश्किल ही होगी यार। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। सो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते हैं।